अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 5। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टान जरा विषांग अष्टांगनी तस्याहु चिकित्सा येषु संस्रुता। आठ अंग बताए गए हैं, काय बाल ग्रह ईएनटी यानी ऊर्ध्वांग, शल्य दृष्टांग यानी टॉक्सिकोलॉजी एंड रेजुविनेशन। ये आयुर्वेद के आठ अंग बताए गए हैं। तीन दोष माने गए हैं, वात वायु पित्त कफ शेति त्रयो दोष समासतः। वात के भी सात गुण बताए गए हैं, पित्त के भी सात गुण बताए गए हैं इन द अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर। कफ के भी सात गुण बताए गए हैं एज यू कैन सी इन द श्लोक नंबर 11 एंड 12। धातुएं भी सात बताई गई हैं, रसास्त्रिंग मासो में तो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु सप्तदूष्या। मल भी जो है मलामूत्र शक्रित स्वेदाद्यो अभी च तीन मल बताए गए हैं। सामान्य विशेष में वृद्धि सामान्य सर्वेशां विपरीते विपर्य सामान्य और विशेष। सामान्य तीन प्रकार के बताए गए हैं, द्रव्य गुण और कर्म। जो द्रव्य सामान्य है वो सर्वदा सर्वभावानं सामान्य वृद्धि कारणम। गुण सामान्य जो है वो बताते ये वाला श्लोक सामान्य एकत्व कर्म। तुल्यार्था ही सामान्यम जो है वो बताता है ये कर्म सामान्य को। तो तीन तरीके के सामान्य बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त चक्रपाणि इन हिज कमेंट्री ऑल्सो टोल्ड अबाउट अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टू द द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य एंड दी कर्म सामान्य रिस्पेक्टिवली। कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोक की द्रव्य के कर्म कितने बताए गए हैं इन द आयुष कामीय फर्स्ट चैप्टर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। तीन तरीके के कर्म बताए गए हैं द्रव्य के, दोषों का शमन करना, धातुओं का प्रदूषण यानी कि कोपन करना और उसके बाद स्वस्थ करना। रस भी छह बताए गए हैं, रस छह बताए गए हैं, स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड द्रव्यम आश्रिते च यथा पूर्वम बलावः। वीर्य जो होता है दो बताए गए हैं, उष्ण शीत गुणोत्कर्ष तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम। वीर्यम तो क्रियते येन या क्रिया। और वैसे तो टोटल एट जो है वीर्य मानते हैं। दो तरीके के विपाक होते हैं, अवस्थापाक और निष्ठापाक। जो ये श्लोक है, अन्न से भुक्त मात्र से षड्रस प्रभाकृत मधुराद्यात कफो भवात फेन भूतम उदीरते परम तो पच्य मानस विदग्धस्य से अम्ल भवात वश उच्च मानस वित्तम अच्छम उदीरते पक्वाशिम तो प्राप्त से शोष्य मानस से वहीना परिपंडित पक्वश्य वायु सात कटु भवात चरक चिकित्सा स्थान पच्चस का है, ये याद रखना है। वैसे टोटल गुण जो हैं वो बताए गए हैं पदार्थ विज्ञान में 41, लेकिन गुरुवारी गुण 20 होते हैं जिनको सामान्य गुण भी कहते हैं, द्रव्य गुण भी कहते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट यानी आयुष कामी का 18वां श्लोक इसमें रिप्रेजेंटेड है। फिर उसके बाद जो है, रोग क्या है और आरोग्य के कारण क्या है। काल अर्थ कर्मणा योगोहीन मिथ्याति मात्र कर संयोगस्य विधेय विज्ञेय रोग आरोग्य एक कारणम। ये बताया गया है बाय वाग्भट। जो रोग के कारण है वो जो चरक ने बताए हैं वो है काल अर्थ और बुद्धि का, मतलब काल बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ का योग मिथ्या और अति मात्र का। फिर उसके बाद जो निदान पंच के पांच होते हैं, निदान प्रागरूप रूप उपशय और संप्राप्ति। उपशय जो है 18 प्रकार के माने गए हैं। रोग क्या है और आरोग्य क्या है, तो वाग्भट ने इन्होंने श्लोक दिया है श्लोक नंबर 20। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यत निजागंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता। यानी निज और आगंतुक दो तरीके से डिवाइड होते हैं हमारे ये जो रोग हैं। निज से जो पहले दोष कुपित करते हैं और आगंतुक पहले कुपित होते हैं बाद में मतलब दोष को कुपित करते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। रोगी की परीक्षा श्लोक नंबर 21 मतलब में ही कंटिन्यूड है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित च रोगी नाम। यहाँ पर दर्शन से हमें पूरे उसको समझना चाहिए, सिर्फ नेत्र के नहीं सारी इंद्रियों से ही हमें परीक्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से छह उपायों का वर्णन किया गया है, पांच ज्ञान इंद्रिय
और छठा जो है प्रश्न, फिर जो है रोग परीक्षा हो चुकी है, उसके बाद वैद्य जो है चिकित्सा चतुष्पाद क्या है, भिषक द्रवाणु पस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम् चिकित्सा से निर्दिष्टम प्रत्येक तत् चगुणम्। इन सबके अलग अलग मतलब चार चार गुण बताए गए हैं, चिकित्सा के चार, वैद्य मतलब चार गुण, औषध के चार गुण, परिचारक के और फिर रोगी के चार गुण। रोगों के भेद जो होते हैं साध्य असाध्य, दो साध्य भी दो तरीके का होता है, कृच्छ साध्य और सुख साध्य, और उसके बाद होता है असाध्य के दो भेद होते हैं याप्य और अनुपक्रम, जो दोष ऋतु और प्रकृति के अतुल्य हो वो रोग सुख होता है, और जो तुल्य है वो असाध्य रोग हो जाता, मतलब कृच्छ साध्य हो जाता है, वो मुश्किल से ठीक होता है। तो इसी के साथ मैं अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म करती हूँ। गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।